आज वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी सर्वे की रिपोर्ट पेश होनी है। हमारे साथ मौजूद हैं अजय प्रताप सिंह, जो सहायक एडवोकेट कमिश्नर हैं। इनसे जानते हैं क्या तैयारियां हैं। सर, किस तरह से तैयारियां की गई हैं? तैयारियां हम लोगों ने पूरा मिल करके किया गया, पूरा विशाल सिंह का काफ़ी सहयोग रहा और साथ में संजय सिंह वकील साहब, आर एन पांडे जी वकील साहब, वादी पक्ष के अधिवक्ता, प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता, सभी का पूरा सहयोग रहा इसमें। और उसी का नतीजा है कि हम लोग जो है रिपोर्ट तैयार कर पाए हैं मेहनत करके, पूरी रात भर बैठ करके, और जिसे आज हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष उसको सौंपेंगे। सर, कितने पन्ने की रिपोर्ट है और किन किन साक्षियों को रखा गया है? सभी साक्षियों को रखा गया, जिसमें हम लोगों ने जो भी वहाँ पे देखा, हम लोगों ने हर चीज़ को लिखा गया है, हर चीज़ की फोटोग्राफी कराई गई है, वीडियोग्राफी कराई गई है, कोई चीज़ छोड़ा नहीं गया। हम लोग सबकी रिपोर्ट हम लोग लिख करके माननीय न्यायालय के समक्ष आज सौंपेंगे। कितने पन्ने की रिपोर्ट है, कितने फोटोग्राफ्स हैं और कितने वीडियोज़ हैं? काफ़ी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोग्राफ्स भी पूरा खींचा गया है, कई घंटे की वीडियोग्राफ्स कहा जाए तो है पूरा, हर चीज़ का फोटोग्राफ्स भी बहुत हैं, करीब 1000 से ऊपर ही होंगे। सब आज हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष जो है सौंप दिया जाएगा। सर, रिपोर्ट कितने पन्ने की तैयार हुई है? रिपोर्ट करीब 12 पन्ने की रिपोर्ट तैयार हुई है। किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा गया? हर बिंदुओं पर, हर ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का पूरा, हर जहाँ जहाँ हम लोगों ने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराया गया, सबका निरीक्षण करके उस पर लिख करके पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। सर, अजय मिश्रा जी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है 6-7 तारीख वाली, तो क्या उस रिपोर्ट के जो पॉइंट्स हैं उसको भी उसमें शामिल किया जाएगा? जी हाँ, अजय मिश्रा जी ने जो रिपोर्ट सौंपी है 6 तारीख की और 7 तारीख की, जो उन्होंने सर्वे कमीशन किया था, वो भी माननीय न्यायालय उस पर भी संज्ञान लेगी। सर, अजय मिश्रा को हटा दिया गया, अजय मिश्रा की कमी कितनी खली आप लोगों को रिपोर्ट बनाने में? अजय मिश्रा को हटा दिया गया, रिपोर्ट तो पूरा उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया था बनाने में, लेकिन कमी तो खली ही कि अजय मिश्रा को हटा दिए गए, कुछ लापरवाहियाँ उनके तरफ से हो गई थी जिसके कारण माननीय न्यायालय द्वारा उस पर संज्ञान लिया गया। सर, एक सवाल ये है कि 12 पन्ने की लगभग रिपोर्ट आप बता रहे हैं, अजय मिश्रा की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ विग्रह मिले हैं, सिंदूरी कुछ पॉइंट्स मिले हैं, शिलापट मिले हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं? आप लोगों को क्या मिला? अजय मिश्रा जी ने जो माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट सौंपी है उसका अभी हमने अवलोकन नहीं किया है, लेकिन हाँ, ये सुना है हमने कि उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है, और क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए उन किस विग्रहों के बारे में और जो श्रृंगार या उसके बारे में लिखा है ये भी हम मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ पक्षों ने उनका सहयोग नहीं किया इसलिए डिले हुआ। डिले जो हुआ वो तो एक तरह से कि काफ़ी चीज़ वहाँ पे सर्वे करना था इसलिए थोड़ा डिले हुआ, और सहयोग तो सभी का रहा, वादी पक्ष का, प्रतिवादी पक्ष का भी सहयोग रहा, सबका सहयोग रहा, प्रशासन का, सबका सहयोग रहा। आपने और विशाल सिंह जी ने कितनी देर मेहनत की, कितना देर काम किया तब जाके रिपोर्ट तैयार हो पाई? हम लोग एक दिन पूरी रात बैठ कर काम किए हैं, तैयार किए हैं, करीब रात 9 बजे हम लोग बैठे हैं और सुबह करीब 6:30 बजे हम लोग उठे हैं, रात भर बैठ करके हम लोग जो है रिपोर्ट तैयार किए हैं, और उसके अलावा जो समय मिलता रात दिन में या शाम को हम लोग रिपोर्ट तैयार करते रहे। सर, एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे, आज रिपोर्ट आप पेश करेंगे उसके बाद क्या होगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या होगी? रिपोर्ट सौंपने के बाद माननीय न्यायालय उस पर संज्ञान लेगी और उसका अवलोकन करेगी, उसके बाद माननीय न्यायालय का जो आदेश करना होगा वो माननीय न्यायालय आदेश करेगी। तो ये थे हमारे साथ सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह, इनका कहना था कि रिपोर्ट तैयार है, तकरीबन 12 पन्ने की ये रिपोर्ट है, 1000 से ऊपर फोटोग्राफ्स हैं और तमाम साक्षियों को उसमें शामिल किया गया है। उदय गुप्ता, वाराणसी।